हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस पीवीआर 322 प्लाज्मिड को याद करने की ट्रिक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो आप अगर इसे अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो 100% करेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजीली आप इसे याद कर पाएंगे। बहुत सारी ट्रिक्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत जल्दी याद कर लेंगे। और वो ट्रिक ये है कि इसमें आपको आपको चार सेंटेंसेस याद करने पड़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिंज भी हैं, लेकिन आप उसे याद करने में आपको आसानी रहेगी। इसमें है एक सेंटेंस, एक और किला बेमिसाल टट्टी पी स्क्वायर एस टी अम्मी एंड ओ पी मतलब ओवर पावर्ड मतलब हाई पावर। ठीक है, आपने सिर्फ इतनी चीज़ें याद करनी है। एक और किला हिंद बेमिसाल टट्टी पी स्क्वायर अम्मी ओ पी मतलब हाई पावर, राइट। अब आते हैं, हम इसे अप्लाई करते हैं पीवीआर 322 प्लाज्मिड के ऊपर। तो ये है हमारा पीवीआर 322 प्लाज्मिड। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्रिक कैसे अप्लाई होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है एक और फर्स्ट किला फर्स्ट एंड हिंद थर्ड। आपने इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको आराम से ऑप्शंस में मिल जाएगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इनका सीक्वेंस याद करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो सेगमेंट है इस पर ये तीनों आते हैं, तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है एक और किला हिंद, हिंदुस्तान में एक और किला है, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं इस वाले पार्ट पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, थोड़ा क्रिंज भी है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मेन मकसद हमारा वो होना चाहिए। तो यहाँ पर है बेमिसाल टट्टी, राइट। बेमिसाल मतलब बाम एच फर्स्ट साल फर्स्ट एंड टी टी मतलब टेट्रासाइक्लिन। तो ये वाला सेगमेंट तो आप कभी नहीं भूलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, दैट इज़ एम्पिसिलिन वाला पार्ट। इसमें हम कैसे याद रखेंगे, पी स्क्वायर एस टी अम्मी, राइट। पी स्क्वायर एस टी अम्मी, और आपने एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर पी वी यू ऊपर आया है, एक पी वी यू नीचे आया है, लेकिन यहाँ पर जो ओ पी दे रखा है, ओ पी का मतलब होता है ओवर पावर्ड। अगर आपने पबजी खेला है तो आपको पता होगा, यहाँ पर पी वी यू की पावर सेकेंड है, मतलब कि इसकी पावर ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि जो आर ओ पी है उसकी जो साइट है वो पी वी यू है, राइट। तो इस तरह से आप सिंपली इसे याद कर सकते हैं। आप इन सेंटेंसेस को लिख लीजिए अपनी एन सी आर टी में, एंड मुझे पता है कि इसमें से ये वाला जो सेंटेंस है काफ़ी ज़्यादा क्रिंज है, आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन हमें मकसद है, हमें याद होना चाहिए। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से याद करना है। एंड आई एम सॉरी अगर आपको कुछ गलत लगा हो, आई एम रियली सॉरी। बट अगर आपको हेल्प हुई है, प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको और भी ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी ट्रिक थी, राइट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक कैसी थी, मतलब मुझे जानना है, ये मैंने बनाई, कहीं से कॉपी नहीं की, आपने पता होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड और भी वीडियोज़ आती रहेंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।